Hi guys, today we will be discussing about a beautiful topic, and I know so many of you have requested to me that ma'am, please make a video on how do we need to handle the criticism. Okay, so the word criticism is not at all negative. First of all, you have to understand one thing, that the word criticism is not at all negative. ठीक है, अब क्या है कि how do you handle it? Makes it more often positive. ठीक है, so there are so many kinds of criticism. ठीक है, which we will be talking in this session. तो सबसे पहले जो criticism की बात हम करने वाले हैं मेरे बच्चों, that is self criticism. ठीक है, अब आपको मैंने पहले ही बताया था, बहुत बार बताया हुआ है, that आप खुद के सबसे अच्छे जज होते हो. रिमेंबर, तो आप अपने आप को जैसा जज करते हो वो आप आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है वो चीज़, राइट? अब अपने दिमाग में आप सेल्फ थॉट्स होते हैं ना, वो सोचते रहते हो 24 घंटे, यार ये मेरे से नहीं हो सकता, वी कैन नॉट डू दिस, ये नहीं होगा, यार ये हो गया तो क्या हो गया. डर, किस चीज़ का डर है भाई? क्यों डर रहे हो? क्यों डर क्यों रहे हो? इस डर को भगाओ. ठीक है, सबसे पहले तो ये, और ये मत सोचो आप ये नहीं कर सकते. आपको मैं बताती हूँ, जस्ट थिंक अबाउट द पीपल, इतनी बार हार के भी वो ऊपर उठे. बिल गेट्स को देखो यार, इतनी बार उनकी कंपनी डूबी लेकिन फिर भी वो उठे ना, राइट? ऐसे देखे जाए तो उनकी, मतलब कोई बंदा उनकी लाइक ऐसे कुंडली उठा के देख लेगा, कोई पंडित बताएगा तो उनको बोलेगा ना, अरे 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 कितने कष्ट हैं इसकी लाइफ में. तो क्यों? कष्ट झेल के ही तो आगे बढ़ता है ना बंदा. तो क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिविटी के लिए लो अपनी लाइफ में. चैलेंज नहीं करोगे अपने आप को तो ग्रो कैसे करोगे, राइट? सो यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड टेक दोज चैलेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, और ये सोचना, मतलब अपने आप के जो सेल्फ थॉट्स होते हैं ना, ये नहीं हो पाएगा मेरे से, ये तो बहुत ही टफ है, अरे ये हो गया तो क्या हो गया, ये जो मेरे पास है ये, चल भाई होने दो, लेट इट बी, देखी जाएगी, उसको भी फेस करेंगे जो भी होगा, कुछ नया ही तो सीखेंगे. सही बात है. अब हम आगे चलते हैं बच्चों. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइन मैं आपको बताना चाहती हूँ. एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन, बट इट टेक्स कैरेक्टर एंड सेल्फ कंट्रोल टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिविंग. ठीक है, अब पहला तो था सेल्फ कंट्रोल. ऐसे अभी बहुत सारे क्रिटिसिजम्स होते हैं मेरे बच्चों लाइफ में जो कि अच्छे होते हैं. ठीक है, दूसरों से जो मिलते हैं, बेसिकली दूसरों से मिलते हैं, वो होते हैं कि यार चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं. यस, वो आपके लिए ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है. और कुछ क्रिटिसिज्म लाइफ में हमें ऐसे मिलते ही मिलते हैं बच्चों. इट्स नॉट ओनली यू, अगर आप ऐसे सोच रहे हो आपके साथ ही होता है, नहीं बेटा, सबके साथ होता है, ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर. ठीक है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप रह रहे हो, वही समाज है पूरा, राइट? ये पूरी कम्युनिटी एक ही है, तो हर एक को यार ये फेस तो करना पड़ता है. ठीक है, अब आपको कोई बोल देगा यार आप मोटे हो, ठीक है, या फिर ठीक है, तो अब एक बात होती है कि आप एक मोटे हो तो उसकी इंटेंशन समझो. उसकी इंटेंशन आपको पोक करने की है, या फिर उसकी इंटेंशन है आपको एक अच्छा, एक हेल्दी इंसान बनाने की. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंड पर्सनली कैसे लेना है, आज हम इस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं. और एक बात बताती हूँ बेटा मैं, वॉट एवर समवन सेज टू यू ना, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग देयर पर्सनैलिटी, isn't it? And how you will grab it, it is gonna reflect your personality, right? So it is all about the understanding and the empathy towards the other person. ठीक है, अगर मुझे पता है यार मुझे किसी ने ये बात बोली हुई है और कैसा फील होता है, ठीक है, एक बात समझना. ठीक है, अगर मुझे पता है कि मुझे कोई बात बुरी किसी ने बोली हुई है और मुझे पता है कि कैसा फील होता है जब कोई ऐसा बोलता है, तो क्या मैं सामने वाले को ऐसा कभी बोलूँगी अपनी लाइफ में? या फिर मुझे अगर फीडबैक देना ही है, ठीक है, इतना बहुत ज़रूरी है कि उसको देना ही है फीडबैक, मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ, तो मैं ऐसा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दूंगी कि उसे बुरा ना लगे. सही बात है. ठीक है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स. ठीक है, सबसे पहले इवैल्यूएट करो
कि जो आपका क्रिटिक है, क्रिटिक मतलब जो आपको कुछ बता रहा है आपके बारे में, ठीक है, जो आपकी बेसिकली आपके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म कर रहा है आपके सामने, तो उसकी इंटेंशन देखो, उसकी ऑनेस्टी देखो पहले कि यार वो किस इंटेंशन से आपको बोल रहा है, ठीक है। फिर एक्सेस इफ द फीडबैक प्रोवाइडेड इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। भाई कंस्ट्रक्टिव वो होता है जिस फीडबैक को आप लेते ही मतलब आसमान छूने लग जाओ कि हाँ यार ये चीज मेरी लाइफ में मिसिंग थी और ये तो मैं कर ही नहीं रहा था, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इस चीज पे, थैंक यू सो मच, सही बात है। और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, दैट यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ बट समबडी सेज टू यू समथिंग एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन, वो होता है डिस्ट्रक्टिव। तो आपको एक्सेस करना है। अभी आप मेरे बच्चों इतने बड़े हो चुके हो, आई बिलीव पर्सनली, और इतने समझदार हो आप कि आप ये एक्सेस कर सकते हो कि आपके लिए जो फीडबैक है वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। अब जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, जहां पे आप गलत रास्ते में जा रहे थे और आपको कोई बता ही नहीं रहा था, आपको कोई बता ही नहीं रहा था, ठीक है, फिर किसी ने आके बोला यार तू ये गलत कर रहा है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, वो होता है कंस्ट्रक्टिव। एंड यू रियलाइज इट, ठीक है, एंड यू रियलाइज इट, फिर उस पर आप वर्क करते हो और उनको ग्रेटिट्यूड शो करो, से थैंक्स टू देम, ठीक है, और अपोलोजाइज फॉर योर वीकनेसेस। जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, मैं हूं और मैं कुछ गलत काम कर रही थी, कर ही जा रही थी, मुझे तो लग रहा था कोई बंदा कोई काम करता है ये सोच के थोड़ी करता है कि वो गलत है। आप बताओ, आप कोई अपना काम गलत करोगे कि यार ये करूंगा तो मैं फेल जरूर हो जाऊंगा, ऐसा करोगे क्या आप बताओ? मतलब ये काम करूंगा तो मैं जरूर फेल हूंगा, ये इंटेंशन तो नहीं होती आपकी। हर एक बंदा ये सोच के करता है ये मेरे लिए बेस्ट है, अपने लिए आप खुद बेस्ट सोचते ही सोचते हो, लेकिन जब कोई आपको बताता है यार ये थोड़ा गलत जा रहा है, फिर आप सही डायरेक्शन पे आते हो, तो अपोलोजी करना चाहिए। और जो बंदा अपोलोजी करता है, जो जिस चीज़ के लिए सॉरी बोल देता है, वो बड़ा इंसान बन जाता है और वो एक कोलैबोरेशन की एक फीलिंग आ जाती है, समझ रहे हो ना बच्चों? तो ये मतलब बच्चों एक अपने अंदर वैल्यूज डेवलप करो, दैट वेन एवर यू फील दैट यू हैव वेंट रॉन्ग, से सॉरी, से सॉरी। तो ये एक रास्ते खोल देता है बातचीत के, नहीं तो आप भी लड़े अड़े हुए हो, आपकी मम्मी भी अड़ी हुई है, ठीक है, वी नो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, राइट, तो आप भी लड़े अड़े हुए उसी बात पे, या फिर आपके कोई भी एक्स वाई जी कोई भी, ठीक है, आप उनकी पर्सनालिटी तो नहीं बदल सकते ना, बदल सकते हो नहीं ना, सो यू हैव टू एनालाइज एंड एक्सेप्ट द थिंग्स, राइट। नाउ कंसिडर द सजेशंस, नॉट द टोन ऑफ द फीडबैक। मैं बताती हूँ पर्सनल, ठीक है, मेरे एक दादाजी हैं, काइंड मतलब मेरे दादाजी नहीं है बट दादाजी जैसे ही हैं, उनकी टोन थोड़ी सी हार्श बोल सकते हो आप, ही इज वेरी अपफ्रंट, ठीक है, बहुत ही अपफ्रंट है, बट ही इज माई वेल विशर, ठीक है, ही इज माई वेल विशर, और थोड़ी उनकी टोन खराब हो गई, मैंने कुछ गलत काम किया तो उनकी शायद टोन में हार्शनेस थी, बट द सजेशन वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मुझे क्या टोन पे जाना चाहिए या मुझे उस सजेशन पे जाना चाहिए, आप बताओ, कॉमेंट डाउन बिलो, आप मुझे बताओ कि मुझे उस टोन पे जाना चाहिए कि यार ये कैसे बोल रहा है मेरे से, ऐसे ऐसे कैसे इनकी हिम्मत हो गई बोल बात करने की मेरे से, ऐसा सोचना चाहिए, या फिर नहीं, ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टोन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। अवॉइड टेकिंग द क्रिटिसिज्म पर्सनली। अब क्या होता है ना, आप पर्सनली ले लेते हो और पूरे टाइम दुखी हो रहते हो, यार मेरी तो ये है, मेरे तो कोई प्यार ही नहीं करता, ऐसा सोचते हो, ठीक है, पर्सनल क्यों ले रहे हो बेटा, उसको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के जैसे लो और उसमें ग्रो करो, उसमें अपॉर्चुनिटी के तौर पे लो उसको, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी कमी बता रहा है, ठीक है, अब उस कमी को समझ गए आप, ठीक है, पहले तो ये समझना है कि आपको सुनना है सबकी, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट आज बताना चाहती हूँ बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आज समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपको समझना ही पड़ेगा एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक समझदार इंसान बनने के लिए। मैं आपको बताती हूँ, मेरी खुद के मेरे पापा ने मुझे सिखाई है ये बात कि सजेशंस सबसे लो,
फीडबैक्स सबके लो, ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन काम को, उस बात को मानने की कोई कंपल्शन नहीं होती है कि वो कोई कह रहा है तभी मानना है, क्योंकि जब आप वो काम कर देते हो ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी होती है। ये आप किसी को मत बोलना बाद में कि आपने कहा था इसलिए मैंने ये किया। नेवर एवर डू दैट। आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अपने डिसीजन की जिम्मेदारी आप खुद लो। जब आप में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ना, आप खुद देखोगे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। कभी भी ये मत बोलना कि आपकी वजह से ये किया है या आपके सजेशन ने मुझे ये करने पे मजबूर किया। नेवर एवर डू दैट। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर एक्शन यू आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है? ओके, बी कंपेशनेट टू योर सेल्फ। अब बहुत जरूरी है बेटा, कि बहुत दिल दुखता है, दर्द भी होता है दिल में, फिर हम रोते भी हैं, ठीक है? कोई क्रिटिसाइज कर देता है, रोना कोई बुरी बात नहीं है, रोना इज अ इमोशन। जैसे मैं हंस रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं मतलब रोना इज अ इमोशन, वो भी जरूरी है लाइफ में, ठीक है? कि कोई रो रहा है तो बुरा है, ऐसा नहीं है। इट इज अ इमोशन, यू हैव टू एक्सप्रेस दैट। यू एक्सप्रेस यूजिंग योर टीयर्स, ठीक है? यू आर हैप्पी, सो स्माइल में भी एक रोना होता है, ठीक है? दैट इज ऑल्सो इमोशन। तो बच्चों, ऑलवेज अंडरस्टैंड, यू हैव टू लव योर सेल्फ, वॉट एवर यू आर, वॉट एवर यू आर, ओके? वॉट एवर, यू हैव टू लव योर सेल्फ। इफ यू आर नॉट गोइंग टू लव योर सेल्फ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अदर्स टू लव यू? क्यों वो आपको भाई प्यार करेंगे, बताओ मुझे? वाई दे वुड बी लविंग यू इफ यू आर ऑल्सो नॉट फीलिंग दैट यू आर वर्दी इनफ टू बी लव्ड? कैसे, राइट? ओके, अब कोई क्रिटिसाइज कर देता है, आप रो लिए, ठीक है? आप खुद में बातें करो, ठीक है? टॉक टू योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ दैट नहीं यार, वो ठीक कह रहे हैं। अपर्णा, यू, जैसे मुझे किसी ने बोला तो आई विल टॉक टू माई सेल्फ, बटो दैट अपर्णा यू कैन डू दिस, कोई बात नहीं, अगर ऐसा बोल दिया तो बोल दिया, यू नो द वर्थ, ठीक है? अभी शायद अब मैं इस जगह पर गलत हो गई होंगी, लेकिन शायद मैं इस चीज़ को करूँगी तो मैं और अच्छी हो जाऊँगी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। बी कंपैशनेट, ठीक है? लव योर सेल्फ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रियोरिटी में रखना है अपने आप को, ठीक है? So this is it from my side. I hope you have enjoyed this session and found this helpful. If you have enjoyed this session, do hit the like button and subscribe to the channel and comment down below कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके कुछ वैल्यूएबल सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ, ठीक है? ओके, सो गाइज, बिफोर आई गो फ्रॉम हेयर, आई क्विकली वॉन्ट टू रिमाइंड यू अबाउट वेदांतो सब्सक्रिप्शन हेयर। इफ यू वॉन्ट टू लर्न ऑन अवर प्लेटफॉर्म, you will be gaining 100% knowledge and will be able to score 100% marks. So, unlimited live classes with fun and high level quizzes. Compete with students throughout the world. Interactive replays with live quizzes and leaderboards. Premium downloadable content with the handwritten notes of your master teacher. In-class doubt solving with quality test and assignment. Free 5000 plus micro courses and crash courses for competitive exams. Less is more. How? By using simply AT Pro code, you will be able to get 1 month subscription for 2159. So go on to the description box and you will be able to get a link. Just go on and select your grade, select your target exam and use the code AT Pro and rock in your exams. So thank you so much for coming into the session. I hope you all have enjoyed it and found it helpful, right? So agar aapke kuch valuable comments hain, please mujhe batana comment section mein. To abhi aapki captain aapse alvida chahti hai. We'll see you in the next session. Bye bye.